जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर 1 मार्च 2019 के थर्ड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 25 का 25 क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चा भी बना सकते थे, ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं उठाए हैं। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चंस में जितना भी तरीका से 25 क्वेश्चंस में जो भी 23 या 21 क्वेश्चन जो सबसे मतलब टॉप कैंडिडेट्स क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियोस को अंत तक बने रहेंगे, आपको बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ इस क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चंस को कम समय में आप सॉल्व करें, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो हमारी फैकल्टीज ओपन हो चुकी है, मेरी क्लासेस ओपन हो चुकी है ऑफलाइन। कोडरमा में है, झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो गया है, झुमरी तिलैया में 21 तारीख से ओपनिंग है। इसमें जितने भी तरह के टीचर्स अवेलेबल होंगे वो लखनऊ और दिल्ली से अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अगर आप विजिट चाहते हैं तो आप कम्युनिटी देख लीजिएगा, मैं डाल दिया हूँ, पोस्ट कर दिया हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो आप लोग को मोस्ट वेलकम है, हमारी फैमिलीज हैं आप लोग, और आप लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दिए हैं। तो आइए, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑल तरह का सब्जेक्ट्स, ऑल तरह का डिफेंसेस, चाहे एनडीए हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी तरह का क्लासेस यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो झारखंड के आप झारखंड से हो तो जरूर आके विजिट करिए। 21 तारीख को ओपनिंग है, 1 तारीख से, ठीक है, 1 बजे से। अब चलते हैं क्वेश्चन को, टाइम नहीं बिताना है। पहला क्वेश्चन हमारे बीच कंप्यूटर में ऐसा लगाया जाए, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखने पर शब्द का दर्पण छवि संबंधित मेल खाता है। सपोज करिए कि लिखा क्या है क्वेश्चन, HOW, हाउ, है ना, HOW लिख रहा है कि अगर इसके सामने लंबवत हम एक दर्पण रखें, ठीक ना बच्चा, दर्पण मतलब शीशा होता है, तो ये किसका क्या बनेगा। तो देखेंगे, ऑप्शन देख रहा होगा, अगर आंसर आ रहा होगा तो आंसर क्लिक करने की कोशिश करिए। तो HOW लिखा हुआ है, तो हेनरी सी बात है कि हम सामने जो रहेगा वो भी यहीं क्लियर आएगा, तो पहले W आएगा, इसके बाद O आएगा, फिर H आएगा। अगर ये ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा तो इसको क्लिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4 होगा, ऑप्शन 4 देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम को नहीं बिताना, टाइम को मतलब गंवाना नहीं है, हम लोगों को कम समय में सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें, अगले पद का चयन करें मतलब बोल रहे हैं, देखिए बी 2 दिया है, D4 दिया, F D दिया है, F दिया है, है ना बच्चा, H दिया है, J दिया है और L दिया है ना, J के बाद L दे दिया है। देखेंगे तो दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, देखेंगे दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है ना बच्चा, तो L M के बाद कितना आएगा, N आएगा, तो N कितना नंबर पे, देख लीजिए N कितना नंबर पे है, तो N का ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें, N 14 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चा। देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सारा मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम को नहीं कमाना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि 1 अलग है। मतलब बोल रहा है कि 4 को दिया है, इसमें से 3 किसी न किसी तरीके से इक्वली है बट 1 इसे अनइक्वल है। तो क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है चलना, कूदना, सोना, दौड़ना। देख रहेंगे चलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी काम जो हो रहा है, चलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी आंख खोलकर किया जा रहा है। मतलब कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं तो आंख खोलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सोना क्या है, आंख बंद करके काम कर हो रहा है। एक इधर से भी हम लोग कर सकते हैं, या तो ये सभी हम लोग का क्या हुआ, जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडीज की एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, इस तरीके से भी हम अपन छाड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर सोना होगा, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए बच्चे, एसएससी जीडी की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लगाइए। आप लोग किसी चीज़ को बोलते हैं तो आप लोग खेल में ले लेते हैं। बच्चे मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने से आपको प्रॉफिट होगा, ना कि मेरे को प्रॉफिट होगा। आप अगर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या चीज़ होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको डर और आप गलती से बचेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो जाकर डाउनलोड करिए, मेरा रेफरल कोड MUKESH50 को यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करिए। जब किसी एप्लीकेशन को अगर इतना प्रॉफिट दिया जा रहा है, अगर आप लोग के लिए इतना प्रॉफिट करा दिया, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने का, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाकर डाउनलोड करिए और आज से ही लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आठवां अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी ना किसी प्रकार समान है जबकि 1 युग्म असंगत है। फिर बोल रहा है यही क्वेश्चन सेम टाइप का आ गया। पहला ऑप्शन है फावड़ा खोदना, फावड़ा का खोदना, ठीक है। दूसरा है बंदूक गोली चलाना, बंदूक
को गोली चलाना है ना, गोली चलाना। तीसरा ऑप्शन है कागज का लुगदी, कागज लुगदी, ठीक। फिर बोला कलम लिखना, कलम लिखना। देख रहे हैं कहीं ना कहीं सबका काम से होता है, मतलब फावड़ा खोदने का काम आता है, बंदूक गोली चलाने का काम आता है, कलम को लिखने का काम आता है, लेकिन कागज का लुगदी, मतलब लुगदी से कागज बनाया जा सकता है, कागज से लुगदी नहीं बनाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा कि लुगदी से कागज बनता है, ना कि कागज से लुगदी बनता है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर वहाँ से लगाया जाए, हमारे बच्चे लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है, बहुत वीडियो नहीं आ रहा था, कारण थोड़ा मैं बिजी चल रहा था बच्चा, इसलिए चलेंगे। हमारे बीच में जो क्वेश्चन है अगला बोल रहा है कि बैट, यदि बैट इक्वल टू नाइन है, यदि BAT बैट इक्वल टू नाइन है दिया हुआ है। फिर बोल रहा है ग्राउंड, GROUND ग्राउंड इक्वल टू 36 है, ठीक है बच्चा। तो बोल रहा है कि बिल्डिंग इक्वल टू क्या होगा, BUILDING बिल्डिंग इक्वल टू क्या होगा, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। चलेंगे तो देख रहा है कि बैट में तीन अक्षर है, तो तीन का स्क्वायर 9 होगा, इसमें 6 अक्षर है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, तो इसमें कितने अक्षर है भाई, 4 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, 64 होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो आसान लगेगा, क्योंकि SSC GD में क्वेश्चन के लेवल ईजी होते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित चयन का, निम्नलिखित श्रृंखला का अगली संख्या क्या होगी। बोल रहा है क्वेश्चंस बोल रहा है 0 2 6, फिर बोल रहा है 12 20, है ना बच्चा। अगला बोल रहा है 30, फिर बोल रहा है 42 56 72। देख रहे होंगे कि इस तरीके से फिर अगला ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 है 6 है 4, मतलब यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से 4 बढ़ा, यहाँ से 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, 12 बढ़ा, 16 14 बढ़ा, है ना बच्चा, यहाँ पे 16 बढ़ा ना। अब यहाँ पे 18 बढ़ेगा, तो 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90 होगा। क्वेश्चंस कभी भी रीजनिंग में पूछे तो पहले क्वेश्चंस को सही ढंग से समझने की कोशिश करिए ना, मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस का पर डे दो वीडियोस मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है। वैकेंसीज की वीडियोस आए या ना आए भाड़ में जाए, बट आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का युग्म का अनुरूप है। बोल रहा है उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों का अनुरूप है, मतलब मानव विज्ञान इक्वल टू मानव है, यदि मानव विज्ञान इक्वल टू मानव है, इट इज मानव है, मानव ज्ञान में मानव के बारे में पढ़ते हैं इस तरीके से। तो बोल रहा है प्राणी विज्ञान बराबर पौधे, नहीं, गलत है, ठीक है। फिर बोल रहा है भूमि विज्ञान इक्वल टू रोग, गलत है, यह भी गलत है। भूकंप विज्ञान इक्वल टू गुड, इसका राइट आंसर सी होगा। देखेंगे कि भूकंप विज्ञान में भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, भूकंप विज्ञान में भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्योरी को अरोथी लिखा जाता है, थ्योरी TH EOR Y, थ्योरी इक्वल टू लिखा जाता है क्या बच्चा, तो YRO, ठीक है, THE, ध्यान देंगे इसमें, देखेंगे कि ये वाला अक्षर यहाँ पे चला गया है और ये वाला को यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया, बदल दिया गया ना, तो स्कूल को बोल रहा है ना क्वेश्चंस कि स्कूल को क्या लिखेंगे, SCHOOL, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे OOL को क्या लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, क्या करेंगे अपोजिट में, ये आगे आ जाता है तो LOO होगा, ठीक है। अब क्या होगा, SCH, इसका जहाँ भी दिख रहा होगा ऐसा ऑप्शंस अब क्लिक कर लेंगे, इसका ऑप्शंस राइट आंसर क्या होगा, LOO SCH B नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चा। देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि पैटर्न को पूरा करने की सही विकल्प का चयन करें, मतलब क्वेश्चंस इस तरीका से दिया हुआ है, इस तरीका से क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये लाइनिंग बना हुआ है, इस तरीका से बना हुआ है, ये इस तरीका से बना है, ठीक है बच्चा। फिर इस तरीका से बनेगा, अब सभी को बीच बीच से लाइन गया बच्चा, ये यहाँ से यहाँ लाइन गया, एक यहाँ से यहाँ लाइन बच्चा, अब ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा वो ऐसा राइट होगा, है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा,
अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है 40 छात्रों की एक पंक्ति में, 40 छात्र के एक पंक्ति में, बोल रहा है मोनिस बाएं से, देखेंगे इधर दाएं हो गया इधर बाएं हो गया, ठीक है। मोनिस बाएं से 13वें अक्षर पे है, मतलब यहाँ 13 अक्षर होगा, ठीक है। टोटल 40 छात्र हैं, इसमें से बाएं अक्षर से मोनिस जो है, क्या है, मोनिस है ना, मोनिस, हाँ मोनिस जो है 13वें अक्षर पे है। अब बोल रहा है कि 13वें अक्षर, अब कुमार दाएं अक्षर से, कुमार इधर से दाएं अक्षर से 9वें पे है, तो कुमार होगा, है ना बच्चा, ये 9वें अक्षर पे, 9वें पे है। अब बोल रहा है 9वें अक्षर स्थान पे है, यदि हरि कुमार के बाएं से, यदि हरि यहाँ पे कुमार है, इसके बाएं से इधर होगा, बाएं इधर होगा ना इसका, क्योंकि बाएं से 4वें अक्षर, मतलब 1 2 3 4 4वें अक्षर पे है कौन, हरि, ठीक है। तो बोल रहा है तो कितना होगा, 9 और 4 कितना होगा, 13, तो ये भी 13 अक्षर पे, ये भी 13 अक्षर पे बोल रहा है। तब बोल रहा है हरि और कुमार के बाएं चौथे अक्षर है, तो बताइए मोनिस और हरि के बीच कितने हैं, मोनिस और हरि के बीच में कितने छात्र हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इधर से ये 13 अक्षर पे और इधर से 13 तो 13 + 13 इक्वल टू कितना होगा, 26। टोटल छात्र कितने हैं, तो 40 है, तो 40 में अगर 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, बताइए 14। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके बीच में 14 छात्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी नंबर जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, मतलब बोल रहा है 15 - 15 क्वेश्चन है, +15 ठीक है, -15 ठीक है बच्चा, -5 = 5। यहाँ पे कौन सी संख्या को बदलेंगे, कौन से चिन्ह को बदलेंगे जो परस्पर इक्वल टू 5 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे यदि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको देख लिया जाए मिले तो आपको सबसे बड़ी डिजिट, मतलब सबसे बड़ी चिन्ह को चेंज करना, गुणा और भागा कहीं सेम दिख गया तो इसको बदलने की कोशिश करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गुणा और भागा को बदलने की कोशिश करिए। तो 15 - 15 + 15 / 15 = 5 = 5 देखिएगा, 5 आ जाएगा। 15 - 15 पहले हम लोग बोर्ड मास में भागा काम करेंगे, +1 × 5 देख 5। अब हम लोग देखेंगे कि ये गुना का काम है, गुना 5 × 5 +15 - 15 + -15 = 5 = देखिए 5 आ गया। तो राइट आंसर होगा, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको बड़ी डिजिट मतलब बड़ी चिन्ह को आप बदलने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चा, टाइम को हम लोग को नहीं गंवाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है, बाकी संख्याओं से अलग है। 9 दिया है, फिर यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 64 है, इसके बाद आपका 125 है। आप एक चीज़ देखे होंगे कि सभी कहीं ना कहीं क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, लेकिन क्या ये क्यूब है, ये तो स्क्वायर है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अलग होगा, 9 होगा, है ना। आप देखिए क्वेश्चंस को देखने से आंसर आप लगा सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको लिए आपके लिए आपको फायदा होगा, ठीक है। चलेंगे, देखिए आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन बुक लेने के लिए, जो बुक से मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बुक 100% लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बुक ले सकते हैं। देखिए इसी बुक से आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है और 8 नए टीचरों के द्वारा लिखा गया, जो कहीं ना कहीं सब एक्सपीरियंस टीचर है और सब जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का कराए हैं। तो ये बुक में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया गया और बहुत बेहतरीन तरीका से बनाया गया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध और सही संबंध दिखाता है, मतलब बोल रहा है कि एक डायग्राम है, डायग्राम को बताता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हार कंगन और आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है, आभूषण से ही ये सब बनते हैं। तो अगर एक आभूषण आ गया तो इस आभूषण में हार भी आएगा और कंगन भी आएगा। तो अगर ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा कहीं तो इसका राइट आंसर लगा देना, राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करें, आपको टाइम नहीं गंवाना है, आप प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनाज जिस तरीके का संबंध है अन्न भंडार से, ठीक है, तो उसी प्रकार मछली संबंधित है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, ऑप्शन से आप बना सकते हैं। आपको बोल रहा है अनाज जो है अन्न भंडार से, अनाज को कहाँ रखा जाता है, अन्न भंडार में रखा जाता है ना बच्चा, अन्न
भंडार में रखा जाता है। तो मछली को कहाँ रखा जाएगा, मछली घर में रखा जाएगा ना, मछली का बनाने के लिए कुछ अलग से थोड़ी बनता है, तो मछली को मछली घर में रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मछली घर देख रहे होंगे ऑप्शन, तो क्या होगा, मछली घर डी, डी इसका राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ विकल्प का चयन कर जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बोल रहा है कि 10 का एस टू 110 है, तो 15 एस टू क्या होगा, तो देखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, फिर इसमें 100 आएगा और इसमें फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 110 होगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा और फिर इसमें 10 जोड़ देंगे कितना आएगा, 235। तो इसका राइट आंसर 235 जो होगा ऑप्शन देख लीजिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, आपको नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स का मिलने वाला है जो आपको कुछ 3 या 4 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।